बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज बोरोन एंड बोराइड्स इन एडवांस्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल केमिस्ट्री। हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर दैट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड। फर्स्ट इज द सेफ्टी, सेकंड इज द हिस्ट्री ऑफ बोरोन, इंट्रोडक्शन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ बोरोन, सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बोरोन। So first one is safety. If we talk about the safety, there is MSDS sheet of every chemical. What is MSDS? It is actually material safety data sheet. Why is chemical safety data important? Why MSDS is important to us? Because safety data sheets are very important in helping you or anyone around you to make the workplace safe and to protect environment. More specifically, a safety data sheet contains information to help you to make a risk assessment, which is very important before going to lab or before performing any kind of experiment. The safety data sheet itself is actually not an assessment. However, it will describe the hazards, helping you to assess the probability of those hazards or risks arising in the workplace. So it's very, very important to learn about the MSDS sheets of chemicals. And here we are talking about the boron, so we should be aware of the material safety data sheet of boron, and it's your assignment to find the MSDS sheet of boron and share with me. For your information, I would like to discuss the material safety data sheet of sulfuric acid, which is very renowned acid. Material safety data sheet jo hoti hai, it comprises of product identification, hazard identification, and moreover composition. And it's also comprises of first aid measurements, firefighting measurements, accidental release measures, handling and storage, and sometime exposure control or personal protection, and physical chemical properties, stability and the reactivity of said chemical. So I would like to share more details of material safety data sheet of sulfuric acid. सो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो होती है वो हमें बताती है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कैसे होता है या मार्केट में प्रोडक्ट को जाना कैसे जाता है। उसके लिए डिफरेंट नेम्स जो हैं जो कि मार्केट में यूज किए जाते हैं वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के ऊपर लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर भी जाना जाता है, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन सल्फेट। समटाइम इट्स ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल, ये बहुत ज़्यादा मशहूर इसका नाम है। एंड टेक्निकली समटाइम वी नो सल्फ्यूरिक एसिड एज ए बैटरी एसिड, तो ये बैटरी एसिड के तौर पर भी जाना है। तो मार्केट में इसके चार नाम होते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, ऑयल ऑफ विट्रॉल और बैटरी एसिड। केमिकल नेम इसका सल्फ्यूरिक एसिड ही है, और इसकी फैमिली जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड्स में बिलोंग करती है। इसका फार्मूला H2SO4 होता है, और हर एक कंपाउंड या केमिकल का एक स्पेसिफिक कैस नंबर होता है, जिससे हम वर्ल्ड वाइडली इसको पहचान सकते हैं। सेकंड सेक्शन जो होता है, इट्स कंप्राइजेस ऑफ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा हैजर्ड है, और इसका कौन कौन सा तरीका है जहाँ से ये हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचा सकता है। फिजिकल और केमिकल स्टेट की अगर हम बात करें, तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि इट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। इट्स ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, क्लियर टू अम्बर, हैवी ऑयली लिक्विड, समटाइम अ पंजेंट स्मेल अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज इन द एसिड। कुछ यूजुअली हमारे पास जो एनालिटिकल ग्रेड के सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन जब किसी में से सल्फ्यूरिक एसिड में से स्मेल आ रही हो, तो इसका मतलब है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज। अगर हम इसको स्मॉल लेटर्स में बताना चाहें इसके हैजर्ड्स के बारे में, तो वी कैन सेट दिस इज वेरी डेंजरस।
extremely corrosive, causes severe burns or eye damage. So there are different routes of entry of sulfuric acid into the human being. It may enter through the skin contact, eye contact, ingestion and the inhalation. चार तरीकों से ये जाता है हमारे पास. स्किन कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि इट आई कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि इट काज इमीडिएट पेन, स्वेयर बर्न्स एंड कॉर्नल डैमेज विच मे रिजल्ट इन परमानेंट ब्लाइंडनेस. स्किन कॉन्टैक्ट में इट काजेज बर्न एंड ब्राउनिश आर येलो स्ट्रेन्स. एंड इन्हलेशन में सांस के जरिए जो इसके वेपर्स जो हैं इट मे काज रेस्पिरेटरी इरीटेशन एंड a high concentration may cause a severe injury, burns or even death. Ingestion may, it may cause severe irritation or burns of the mouth, throat and esophagus. So, abhi tak humne iske do section dekhe jisme humne hazard identification ko dekha aur product identification ko dekha. Product ko identify kaise kiya jata worldwidely aur iske hazard identification kaun kaun se hain. So, uske baad hum baat karte hain composition ki. कि ये मार्केट में अवेलेबल किस कंपोजिशन में होता है. तो इट्स आल्सो रिटन इन द मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट. सल्फ्यूरिक एसिड 70-100% तक बाय वेट जो है वो अवेलेबल होता है. 70-100% मींस देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 0-30% वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड. फर्स्ट एड मेजरमेंट्स में क्या होता है कि अगर हमारे स्किन को ये कॉन्टैक्ट हो जाए, इस स्किन के ऊपर गिर जाए, तो वी शुड इमीडिएटली फ्लश स्किन विद द रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स. जब तक वो बर्न जो है, जब तक वो इरिटेशन ख़त्म नहीं हो जाती, वी शुड स्प्लैश वाटर ओवर दैट प्लेस. आई कॉन्टैक्ट अगर हो जाए तो देन वी शुड ऑल्सो इमीजिएटली फ्लश आईज विद रनिंग वाटर विद एटलीस्ट 30 मिनट्स. होल्ड आईलेट्स ओपन ड्यूरिंग फ्लशिंग. इफ इरीटेशन परसिस्ट रिपीट फ्लशिंग, ऑब्टेन मेडिकल अटेंशन इमीजिएटली. इफ इनहलेशन अकर्स देन मूव द स्टूडेंट आर द कैंडिडेट टू फ्रेश एयर. Give artificial respiration only if breathing has stopped. Otherwise, you need to give him a fresh air. If ingestion occurs, then do not induce vomiting. Because अगर हम vomiting को induce करते हैं तो sometime वो हमारे esophagus जो होता है या mouth को दोबारा से damage कर सकता है. तो इसलिए उसको डैमेज होने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि वो उस एसिड जो है वो डाइल्यूट होके पास आउट हो जाए और इमीडिएटली डॉक्टर से, फिजिशियन से आप रब्ता करें. सेक्शन 5 में इट मे कंसिस्ट एमएसडीएस शीट जो है इट्स मे कंसिस्ट ऑफ फायर फाइटिंग मेजर्स के हम कैसे फायर फाइटिंग के लिए कर सकते हैं. फ्लेम में फॉर एग्जांपल अगर इसके हम फ्लेमेबल कहें तो इट्स नॉट फ्लेमेबल. इसको आग नहीं लगती लेकिन कुछ मेटल्स के साथ ये मिलके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. तो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्वाइट एक्सप्लोसिव हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना करें. इसके बाद एक्सीडेंटल रिलीज इसमें आ जाता है कि अगर ये एक्सीडेंटली रिलीज हो जाए कवर विद द ड्राई अर्थ तो वी शुड हैव टू पुट सम सॉयल ऑन इट अगर वो गिर जाए हमारे पास. और साथ में अगर बेहतर है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए. एंड वी नो दैट न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डिफरेंट कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें कार्बोनेट्स वगैरह आते हैं. तो अगर हम उसको उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो एसिड जो न्यूट्रलाइज होकर अपना असर खो देता है. तो स्टोरेज के लिए, हैंडलिंग के लिए गुड जर्नल वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू कीप वेपर्स एंड मिस कंसंट्रेशन बिलो द एक्सपोजर लिमिट्स. और जो हमारा कंटेनर हो वो भी नॉन रिएक्टिव हो सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ. अगर हम बात करें इसकी अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन की तो हमें लैब में जाने से पहले वैसे भी ग्लव्स पहनने चाहिए और इसके अलावा गॉगल्स, इसके अलावा हैट और प्रॉपर शूज़ जो कि कवर्ड करें हमारे पूरे पाँव को. और मोर इम्पोर्टेंटली जो लैब कोट होता है वो बड़े अच्छे तरीके से पहनना चाहिए क्योंकि उसके जो एसिड्स के वेपर्स होते हैं या स्प्लैशेस होते हैं समटाइम वो डैमेज कर सकते हैं हमारे क्लॉथ को, आग लग सकती है.
तो जो हमारे पास लैब कोट्स होते हैं अच्छे वाले, वो फायर को या आग को वो रिजिस्ट करते हैं, वो इतने आसानी के साथ उसको आग नहीं पकड़ती, जिसके लिए वो क्वाइट हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपसे बिलीव करता हूँ कि आप जो है वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है जो बोरॉन की, उसको फाइंड करें और उसको प्रेजेंट करें। नो वी टॉक अबाउट द बोरॉन। व्हाट इज बोरॉन? द वर्ड बोरॉन वाज कॉइंड फ्रॉम बोरेक्स, द मिनरल फ्रॉम विच इट वाज आइसोलेटेड। बोरेक्स इट्स मिनरल फॉर्म देन नोन एज टिंकल क्लेजेस वर यूज इन चाइना फ्रॉम आफ्टर डेट 300, एंड सम क्रूड बोरेक्स रीच द वेस्ट वेयर द अरब एल्केमिस्ट जाबर बिन हयान अपेरेंटली मेंशनड इट आफ्टर डेट 700। बोरॉन, वी नो दैट द बोरॉन बिलोंग टू 3A ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 5, एंड इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट इज 1s2, 2s2 एंड 2p1। मार्को पोलो ब्रॉट सम ग्लेज बैक टू इटली इन 13th century। द रेयर मिनरल इज कॉल्ड सैसोलाइट विच इज फाउंड एट इटली। सासो वॉज द मेन सोर्स ऑफ यूरोपियन बोरेक्स फ्रॉम 1827 टू 1872 व्हेन अमेरिकन सोर्सेज रिप्लेस्ड इट। सो दैट एट दैट टाइम सासो वॉज द मेन प्लेस इन इटली वेयर द सासोलाइट वॉज फाउंड। दिस वॉज द रिनाउंड मिनरल ऑफ बोरन एट दैट टाइम। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, वी नो दैट बोरॉन इज अ केमिकल एलिमेंट विद अ सिंबल बी एंड एटॉमिक नंबर 5। आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, इट्स बिलोंग टू 3A ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। और हमें पता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो जिस भी ग्रुप का आप उसे नंबर देते हैं, तो इट्स द वैलेंसी एक्चुअली। अगर हम 3A ग्रुप की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप 3A के। तो जो जो हम नीचे जाते जाते हैं, अगर आपको याद हो तो हैवी कंजेनर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पोजेसिस टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। एक तो ग्रुप वैलेंसी होती है और दूसरी ग्रुप वैलेंसी -2। इट मींस कि अगर एक ग्रुप की वैलेंसी, फॉर एग्जांपल चौथे ग्रुप की अगर हम बात करते हैं कार्बन फैमिली की, तो इट शुड पोजेस +4 वैलेंसी। लेकिन जो जो हम नीचे जाते हैं तो ग्रुप वैलेंसी -2 का मतलब है कि इट शुड आल्सो पोजेस +2 वैलेंसी। दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो हमें डिफरेंट जो हमारे कंपाउंड्स हैं हैवी कंजेनर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 3, 4, 5 एंड 6, वो जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एक्चुअली द टेंडेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एटॉमिक एस ऑर्बिटल टू रिमेन अनशेयर्ड इन द कंपाउंड्स ऑफ पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। तो जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं SnS2, वो रिमेन इनर्ट इन एवरी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर इस तरह से वो बिहेव करें तो दिस इज द एस इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोरॉन, इट इज वेरी लो अबंडेंट एलिमेंट इन द सोलर सिस्टम एंड इन द अर्थ क्रस्ट। बोरॉन इज कंसनट्रेटेड ऑन अर्थ बाय वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्स मोर कॉमन नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स द बोरेट मिनरल्स। दीज आर माइंड इंडस्ट्रियली एज इवेपोराइट्स सच एज बोरेक्स एंड करनाइट। द लार्जेस्ट नोन बोरॉन डिपॉजिट्स आर इन टर्की एंड विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बोरॉन मिनरल्स। एलिमेंटल बोरॉन इज मेटोलाइट एंड इट इज फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन मेटोराइट्स, बट केमिकली अनकम्बाइंड बोरॉन इज नॉट अदरवाइज फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। इंडस्ट्रियली वेरी प्योर बोरॉन इज प्रोड्यूस्ड विद डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टरी कंटेमिनेशन बाय कार्बन और अदर एलिमेंट्स। सेवरल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ बोरॉन एग्जिस्ट, अमॉर्फस बोरॉन एंड क्रिस्टलाइन बोरॉन। अमॉर्फस बोरॉन इज ए ब्राउन पाउडर while crystalline boron is silvery to black, extremely hard and poor electrical conductor at room temperature. The primary use of elemental boron is a
is as boron filaments with applications similar to carbon fibers in some high strength materials. Boron is primarily used in chemical compounds. About half of all boron consumed globally is an additive in fiberglass for insulation and structural materials. The next leading use is in polymers and ceramics in high strength, lightweight, structural and refractory materials. Borosilicate glass is desired for its great strength and thermal shock resistance than ordinary soda lime glass. Boron as sodium perborate is used as bleach. So there are many applications or uses of the boron and its related compound. जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था इट्स नोन फॉर इज हाई स्ट्रेंथ मटेरियल. इट्स नोन फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स जो होते हैं उनको बनाने में इन बोरॉन्स की हेल्प ली जाती है. फॉर एग्जांपल रॉकेट नोज जो होती है वो बोरॉन की अलाइज बोरॉन के साथ डिफरेंट मेटल्स को मिला के अलाइज बना के उसको यूज़ किया बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ इज वेरी हाई. और जो रिसेंटली बोरॉन ने अटेंशन हासिल किया है वो है बोराइड्स की वजह से. सम ऑफ द बोराइड्स पोजेस सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज. सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं बोराइड्स से, जैसे मैग्नीशियम बोरेट है और कुछ और भी बोरेट्स भी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं जो कि हाई सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस में मज़ीद इजाफा हुआ है. स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरॉन इज़ यूज्ड एज अ डोपेंट इन सेमीकंडक्टर्स एंड reagent intermediates in the synthesis of organic fine chemicals. A few boron containing organic pharmaceuticals are in study. Natural boron composed of two stable isotopes, one of which boron 10 has a number of uses as a neutron capturing agent. In biology, borates have low toxicity in mammals but more toxic to arthropods and used as insecticides. बोरॉन के कंपाउंड्स जो हैं वो इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज होते हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. बोरिक एसिड इज माइल्डली एंटी माइक्रोबियल एंड सेवरल नेचुरल बोरॉन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एंटीबायोटिक्स आर नोन. बोरॉन इज एन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड बोरॉन कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स एंड बोरिक एसिड आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर. Although it is only required in small amounts, boron compounds play a strengthening role in cell walls of all plants. So if we talk about the allotropic form of the borons, so first of all we should be aware of the term allotropes. Allotropes are actually the different structural form of same element. Allotropes is formed by the changes in the connectivity of the covalent bond between atoms results in substance with quite different chemical and physical properties. So allotropes are actually the element actually are the different structural forms of same element. The change between the allotropic form is triggered by the factors maybe pressure, light and temperature, etc. Therefore the stability of the particular allotrope depends on particular conditions. Boron is similar to carbon in its capability to form stable covalent bonded molecular networks. Even nominic disordered or amorphous boron contains regular boron icosahedra which are however bonded randomly to each other without long range order. So these are the amorphous borons that we talked earlier here. There are two types, which one is the amorphous, first one was the amorphous and the second one was the crystalline boron. So crystalline have boron is very hard black material with the melting point of above 2000 degrees Celsius. It has four major polymorphics. Number one is the alpha rhombohedral and number two is the beta rhombohedral. Number three is the gamma and beta tetragonal and the fourth one is the alpha tetragonal phase. These are the different crystalline boron that exist in nature. So if we talk about the preparation of elemental boron,
we can prepare elemental boron in different ways. Number one is the reaction of B2O3 boric oxide with the magnesium metal. If we react B2O3 with magnesium, then we can get elemental boron and magnesium oxide. So magnesium oxide जो हमारे reaction में मौजूद होता है उसको वो as impurity के तौर पे मौजूद होता है, तो उसको remove करने के लिए हम hydrochloric acid use करते हैं. दूसरा method जो है जो quite comprehensive है और ज़्यादा use होता है is by the reaction of BCl3 boron trichloride with the hydrogen gas. Boron can also be made by passing a mixture of boron trichloride and hydrogen through an electric arc and or over a hot tungsten filament which provide temperature of at about 1500 degrees Celsius. So elemental boron is separated and HCl in the form of gas is evacuated. So elemental boron left behind. This is the most better way to synthesize elemental boron. There are some important reactions of boron and its compounds. So pehla dusra aur dasva jo hai, these are the actually the preparations of boron. Rest is the 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th are actually the reactions of the boron with different elements. So अगर हम बात करते हैं प्रेपरेशन की, तो इसकी प्रेपरेशन जो है इट्स डन बाय सॉलिड स्टेट सिंथेसिस. सॉलिड स्टेट सिंथेसिस क्या होती है? सॉलिड स्टेट सिंथेसिस के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, जो हमारे प्रिकर्सर होते हैं, उनको हम अलहदा से पिस्टल मोटर के अंदर ग्राइंड करते हैं. तो जब हम इन दो या दो से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो हैं, तो हम इन दोनों को लहदा से पिस्टल मोटर के अंदर ग्राइंड करते हैं. तो जब ये इन फाइन पाउडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं, तो दोनों को एक क्रूसिबल के अंदर रख दिया जाता है. तो क्रूसिबल जो है वो बड़ी समटाइम प्लैटिनियम की क्रूसिबल्स होती हैं, जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं और काफ़ी टेम्परेचर को वो बियर कर सकती हैं. तो हम प्लैटिनियम के क्रूसिबल के अंदर उसको प्लेस कर देते हैं. उस क्रूसिबल को फिर हम उठा के ओवन के अंदर रख देते हैं, हीटिंग ओवन. हीटिंग ओवन डिपेंड करता है कि हीटिंग ओवन जो है वो किस टेम्परेचर रेंज का. यूजुअली जो हीटिंग ओवन होते हैं वो 400 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं. तो अगर हमारे कंपाउंड 400 डिग्री सेल्सियस तक, जो हमारे प्रिकर्सर हैं, वो आपस में मेल्ट होकर रिएक्ट कर लें, तो हम हीटिंग ओवन का सहारा लेते हैं. अदरवाइज हम फर्नेस की तरफ जाते हैं. फर्नेस के ऊपर टेम्परेचर हम मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस भी लेके जा सकते हैं. तो जब हम मोर देन 1000 या 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो मेल्ट हो जाते हैं. तो जब वो मेल्ट होते हैं आपस में, तो एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं. तो उस दौरान जो है उनके सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में आते हैं. तो लिक्विड स्टेट के अंदर वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर. तो ये जो इस तरह के बोरॉन, एलिमेंटल बोरॉन है, या इस तरह के बोरॉन के आगे जो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, ये यूजुअली हाई टेम्परेचर्स के ऊपर होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्री प्रेपरेशन मेथड ऑफ द बोरॉन. द फर्स्ट वन इज एक्चुअली द Na2B4O7 विच वी स्टडीड अर्लियर. दिस वन एक्चुअली, दिस रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम Na2B4O7. इफ वी ट्रीटेड विद दिस HCl, वी कैन गेट द बोरिक एसिड H3BO3. बोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं, तो इट चेंज इनटू B2O3 बोरॉन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से इवैक्यूएट हो जाती है. तो फिर ये जो रिएक्शन अभी हमने देखा, फर्स्ट वन, B2O3 को हम रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर. तो जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो इट चेंज इनटू एलिमेंटल बोरॉन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ HCl. दूसरा है सम टाइम BCl3 BBr3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो है, इट रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस इन टंगस्टन फिलामेंट. तो जब हम इसको हीट करवाते हैं BCl3 वगैरह को H2O के साथ, H2 के साथ, तो वी गेट द एलिमेंटल बोरॉन एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग हेलाइड. फॉर एग्जांपल अगर हम BCl3 करते हैं तो HCl रिलीज होगी, अगर BBr3 करते हैं तो HBr रिलीज होगी.
the elemental boron. Second and the third one is the actually the Bi3 boron triiodide को अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो ये एलिमेंटल बोरॉन में चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को हम वैन अर्कल मेथड कहते हैं. वैन अर्कल मेथड जो होता है वो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स होती हैं. इसको हम देखते हैं. इट इज़ डेवलप्ड बाय एंटन एडवेंट वैन अर्कल एंड जॉन बोयर इन 1925. दिस प्रोसेस वॉज फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्योर डक्टाइल मेटालिक जर्कोनियम. ये सबसे पहले मेटालिक जर्कोनियम को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ किया गया था. लेकिन उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो बाकी एलिमेंटल कंपाउंड्स हैं, बाकी एलिमेंटल जैसे बोरोन वगैरह, उनको भी इसी मेथड से ट्रीट किया जाने लगा. दिस मेथड इज एक्चुअली द बेस्ड ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपोनेंट्स. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस ड्यू टू द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन. बहुत ज़्यादा एक्सेस में जब हम इसको हीट करते हैं डिफरेंट ऑक्साइड्स को या क्लोराइड्स को एलिमेंट के, तो वो जो है वो डिकम्पोज होकर अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है. दीज आर द एक्चुअली द थ्री सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ द बोरॉन. अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द बोरॉन. जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो थ्री नंबर थ्री में Bo3 बनता है अगर हम बोरॉन को बर्न करें एयर के अंदर. एयर में ऑक्सीजन मौजूद है तो बोरॉन को अगर हम एयर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये Bo3 में चेंज हो जाता है. और अगर हम इसको ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये चेंज हो जाता है सोडियम बोरेट में Na2BO3, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है. और अगर हम इसको सिलिका के साथ रिएक्ट करवाएं SiO2 तो इट्स चेंज इनटू B2O3 एंड सिलिका Si वो सेपरेट हो जाता है इससे. वैसे तो आम कंडीशन के अंदर बोरॉन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर आप वाटर हॉट वाटर यानी वाटर वेपर्स लें, वाटर वेपर्स को हाई टेम्परेचर के ऊपर बोरॉन के साथ रिएक्ट कराएं तो देन इट मे रिएक्ट विद द बोरॉन एंड चेंज इनटू B2O3 बोरॉन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. इसी तरह नाइट्रोजन के साथ भी, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है उसके साथ भी आम से रिएक्ट नहीं करता. वो नीड टू प्रोवाइड सम हीट टू रिएक्ट विद द नाइट्रोजन. तो अगर हम ये बोरॉन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बोरॉन नाइट्राइड बनाता है BN. ये एक टू डायमेंशनल समटाइम चेन बन जाती है बहुत बड़ी, तो ये BN में चेंज हो जाता है. इसी तरह ये एसिड्स के साथ भी नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम हॉट और कंसंट्रेटेड एसिड लें तो इट मे रिएक्ट विद द एसिड्स. फॉर एग्जांपल अगर बोरॉन को हम रिएक्ट करवाते हैं HNO3 के साथ देन H3BO3 इज फॉर्म्ड विद द NO2 गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसमें से खारिज होती है. इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो उसके साथ भी यही रिएक्शन होता है, लेकिन जो NO2 है इसकी जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वो गैस इवैक्यूएट होती है. तो लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर्स के ऊपर बोरॉन जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करने से रिलक्टेंट है. एक और रिएक्शन जो हम देख सकते हैं वो ये है कि मेटल, डिफरेंट मेटल के साथ भी बोरॉन को रिएक्ट करवाया जा सकता है. जैसे आपने सिंथेसिस में देखा है कि मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करता है बोरॉन ऑक्साइड, इसी तरह बोरॉन भी बोरॉन जो है एलिमेंटल बोरॉन जो है वो मैग्नीशियम के साथ या कैल्शियम के साथ हाई टेम्परेचर्स के ऊपर रिएक्ट करके ये कंपाउंड्स बना सकता है. और सम टाइम ये फ्रैक्शंस में भी कंपाउंड्स बनाता है जिसको हम आगे देखेंगे. इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के रिएक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं. जैसे कि पीछे हमने देखे हैं सेम रिएक्शंस हमने देखे हैं बोरॉन के, तो वी हैव अनदर रिएक्शंस ऑफ द बोरॉन विद, फॉर एग्जांपल विद एयर. जैसे मैंने बताया था कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर, बट एट हायर टेम्परेचर बोरॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म बोरॉन ऑक्साइड B2O3. नॉर्मल कंडीशंस में ये एयर में एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर कर दें तो बोरॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो एयर में मौजूद होती है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है. इसी तरह रिएक्शन ऑफ बोरॉन विद हैलोजन्स, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, देन दे फॉर्म द रिस्पेक्टिव बोरॉन ट्राईहैलाइड्स BCl3, BF3 एंड BBr3 वगैरह, ये जो है वो बना देते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द बोरॉन.
और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बोराइड्स के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।